भूमिका बहल के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं, चाहे उनके मेकअप को लेकर हो, चाहे उनके बात करने के स्टाइल को लेकर। जिन्हें नहीं पता भूमिका बहल कौन है, तो मैं बता दूं, वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन इससे पहले वो एक फर्म में सीनियर फाइनेंशियल ऑडिटर का काम करती थी। लेकिन उन्होंने टीनेज में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, जिसके लिए उन्होंने खुद से मेकअप सीखना स्टार्ट कर दिया था। फर्दर उन्होंने कई इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मिली और आज कई सर्टिफिकेशन कोर्स भी चला रही हैं। लेकिन उनके मेकअप को लेकर ऑडियंस टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वो जिनको उनका काम बहुत अच्छा लगता है, सेकेंड वो जिनको उनका काम बहुत ही ज़्यादा केकी लगता है। कहते हैं लिप्स ओवरलाइन कर देती हैं, आईब्रो को बहुत वियर तरीके से बना देती हैं। अब इनकी कौन सी ऑडियंस है सही और कौन सी ऑडियंस है गलत, इस बात को जानने से पहले आइए थोड़ा सा इनके बारे में डीप में जान लेते हैं। भूमिका बहल इस टाइम 28 साल की है और वो दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो बताती हैं कि जब वो 12-13 साल की थी, तब से उनको मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और वो चाहती थी कि वो बड़े होकर मेकअप ही परस्यू करें। उनके घर की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि वो अपने सपने के बारे में बता सके, क्योंकि उनके मम्मी पापा ये चाहते थे कि पढ़ लिख कर वेल सेटल जॉब करें और सेट हो जाए। और एक तरफ ये भी बताती हैं कि अगर मैं 15 साल पहले अपने मेकअप आर्टिस्ट बनने की बात बता देती तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाते, क्योंकि उस टाइम मेकअप आर्टिस्ट की ना वैल्यू थी और ना ही इतना स्कोप जो आज है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं पढ़ लिख कर स्टेबल हो जाऊं और अपने घर परिवार को संभालूं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक स्कूल से की है, उसके बाद कमला नेहरू साउथ दिल्ली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स किया हुआ है और मास्टर भी इन्होंने कॉमर्स में ही किया है। उसके बाद इन्होंने बीएड कर लिया। आफ्टर क्वालिफिकेशन कॉलेज से ही बिग फोर फर्म्स ऑफ ऑडिटिंग में सीनियर फाइनेंशियल ऑडिटर की इनकी जॉब लग गई। अब सब कुछ सेटल हो गया, इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी ये खुश नहीं थी, इनको एक ही चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, वो था इनका सपना, ये मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। जब इन्होंने इस सपने को अपने हस्बैंड को बताया तो लव मैरिज होने के बाद भी उन्होंने इनको बिल्कुल भी नहीं समझा और इनका मजाक उड़ाने लगे। बोले ये सब क्या करोगी करके, मेरे पास एक सेटल लाइफ है, उसको जियो और खुश रहो। जब इन्होंने अपने हस्बैंड की बात सुनी तो उनको यही लगा कि शायद मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं और इन्होंने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद ये जॉब पे जाने लगी, लेकिन जॉब से जाने के एक दिन पहले ये डिसाइड कर लेती थी कि इनके कपड़े क्या होंगे, ये कैसे एसेसरीज अटायर करेंगी और इनका मेकअप क्या होगा। इनको इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा और जब ये ऑफिस तैयार होकर जाती थी और इनको भर भर की तारीफें मिलती थी कि तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और इस तरह इन्होंने खुद से मेकअप सीखना स्टार्ट कर दिया। इस तरह 4 साल बीत गए। जब 2018 आया तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो मेकअप आर्टिस्ट ही बनेंगी, चाहे अब चाहे कोई कुछ भी कहे और मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं अपने सपने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ और अपने सपने को पूरा करके ही मानूंगी। जब इनके हस्बैंड ने इनकी ये बात नहीं मानी तो उन्होंने उनके साथ डाइवोर्स ले लिया। 2018 में ये अपने हस्बैंड के साथ अलग हो गई। भले ही सब ने इनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हारी। सबके छोड़ जाने के बाद जितनी भी इनके पास सेविंग्स बची थी, उन सब का इन्होंने किराए पर एक फ्लैट ले लिया और इन्होंने अपना पहला ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, जो सिर्फ 2499 में था। और उस मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स से इन्होंने जितना भी कुछ सीखा, उसके बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि अब मैं जब भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स खोलूंगी तो मेरी पहली फीस होगी 2499, ये मेरा सबसे सस्ता पैकेज होगा। और ऐसा हुआ भी, आज ये बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनका सबसे सस्ता कोर्स 2499 का है। जिनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें सीखने की बहुत चाह है, वो इनके इस कोर्स से सीख सकती हैं। 2020 में इनके मेकअप ट्यूटोरियल बहुत तेज़ी से वायरल होने लगे, लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे और इनके बोलने का स्टाइल काफ़ी फेमस है। आंखें कितनी सुंदर हैं, आइज बंद कर बाबू, सच प्रिटी आई। और मेकअप आर्टिस्ट को एज अ बहुत यूनिक तरीके से प्रोफेशन बनाना, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। अगर इनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की बात की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पर 846 के फॉलोवर हैं और इनके यूट्यूब पर 245 के सब्सक्राइबर हैं।
आज ये कई ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मेकअप कोर्सेज चलाती हैं। अगर इनके ऑफलाइन मेकअप कोर्सेज की बात की जाए तो इनका ऑफलाइन मेकअप कोर्स का चार्ज है 1,00,000 रुपये। यहाँ पर आप जाकर इनसे 1-to-1 मेकअप सीख सकते हैं। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं। उसका कारण ये है कि इन्होंने अभी हाल में एक मॉडल का मेकअप किया, उसके लिप्स को ओवरलाइन करके उसके चेहरे को फ्लैटर कर दिया, जिसके लिए इनके कमेंट सेक्शन पूरे निगेटिव कमेंट से भर गए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, ये अपने लिप्स को भी ओवरलाइन कर देती हैं, अपने आईब्रो को भी बहुत वियर्ड शेप दे देती हैं। समटाइम्स ये चीज़ें बहुत इनके चेहरे पर ख़राब लगती हैं और कभी कभी इनका मेकअप भी बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। अब ये मेकअप कितना अच्छा करती हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको इनका मेकअप अच्छा लगता है कि नहीं। बाकी मुझे ये लगता है कि इनको मेकअप के कुछ ना कुछ टेक्निक्स तो पता होगी, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा आज फेमस है। बाकी आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है और इनकी स्टोरी भी पसंद आई है तो इस वीडियो कर दीजिएगा 1 लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारे तो कुछ जानवे वे मतरले हो या तबा।